हेलो, मैं हूँ डॉक्टर माधुरी अनंतवर, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नागपुर। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेल पैटर्न हेयर लॉस। आदमियों में बहुत सारे हेयर फॉल के रीजंस रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड, थायराइड, रॉन्ग हेयर केयर, बट जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन हेयर लॉस का पैटर्न रहता है आदमियों में, वो रहता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, या जिसे जेनेटिक हेयर लॉस भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ जो गलत फहमियाँ हैं वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे कॉमन जो मिथ है वो ये कि लोग समझते हैं कि मेल पैटर्न हेयर लॉस जो होता है वो आफ्टर 30 या 40 के या 30 के उम्र के बाद शुरू होता है। सो इट्स नॉट ट्रू। मेल पैटर्न हेयर लॉस जो है ये जब आपकी प्यूबर्टी शुरू होती है, दैट मीन्स आफ्टर द एज ऑफ 16 साल के बाद में कभी भी ये शुरू हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि आपके 30s और 40s में ही ये शुरू होगा। दूसरा जो कॉमन मिथ है वो ये कि बहुत लोगों को लगता है मेरे फादर में हेयर लॉस नहीं है या वो बाल्ड नहीं है तो मुझे ये कैसे हो सकता है। सो द थिंग इज, जेनेटिक हेयर लॉस में बहुत बार एक जनरेशन स्किप करने की टेंडेंसी रहती है। इसका मतलब क्या है कि भले ही आपके फादर में हेयर लॉस या बाल्डनेस ना हो, बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स में ये हेयर लॉस हो सकता है। ऑन आइदर साइड, मम्मी के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पापा के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स, और उनसे ये आपको जीन्स मिला हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रारी, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर में बाल्डनेस हो या आपके फादर में हेयर लॉस हो, बट आप में वो नहीं होगा, ये भी चांसेस हो सकते हैं। थर्ड जो कॉमन मिथ रहता है वो है कि जेनेटिक हेयर लॉस मतलब लोग समझते हैं कि जैसे मेरे फादर में हेयर लॉस हुआ है, जितना हेयर लॉस हुआ है या जो उम्र में शुरू हुआ है, मुझ में भी उतना ही हेयर लॉस होगा या मुझे भी उसी उम्र में शुरू होगा। इट्स नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरी। जेनेटिक मतलब टेंडेंसी होना कि आप में हेयर लॉस हो सकता है, बट सेम आपके फादर का जो हेयर लॉस का पैटर्न है उससे ही आप फॉलो करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। सो मे बी उनमें जल्दी हेयर लॉस शुरू हुआ या मे बी उनमें लेट हेयर लॉस शुरू हुआ, आप में कोई भी एज में हेयर लॉस शुरू हो सकता है, या जितना उनका हेयर लॉस हुआ है उतना ही आप में होगा, ये भी सही नहीं है। सो आप में हेयर फॉल हो रहा है, आप में हेयर थिनिंग हो रही है और आप बहुत ज़्यादा इसकी चिंता कर रहे हैं, सो उसके पहले मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। माइल्ड हेयर लाइन रिसाइडिंग होना मतलब हल्की सी हेयर लाइन पीछे जाना, इट्स वेरी नॉर्मल। ये ऑलमोस्ट हर किसी में होता है, थोड़ी सी आपकी हेयर लाइन पीछे जाना जब कभी भी आप प्यूबर्टी अटेंड करते हैं, दैट मीन्स आप 16 या 17 साल की उम्र के बाद में हेयर लाइन हल्की सी पीछे जाना, इट्स नॉर्मल, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। सेकेंड थिंग, हर रोज़ 50 to 100 के बीच में बाल जाना, इट्स नॉर्मल, बाल झड़ना इट्स नॉर्मल। सो आपको चिंता कब करनी चाहिए? अगर आपकी हेयर लाइन बहुत ही पीछे जा रही है या वो सडनली बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है, या आपके ये पोर्शन में, जिसे कहते हैं फ्रंटल पोर्शन, एंड आपके ये पोर्शन में आप हेयर थीनिंग नोटिस करने लगते हैं, दैट मीन्स आपका सर की त्वचा, आपका स्कैल्प इजीली विजिबल होने लगता है, दैट मीन्स आपको जेनेटिक हेयर लॉस शुरू हुआ है। सो चलिए पहले जानते हैं कि मेल पैटर्न हेयर लॉस होता क्या है। आपके शरीर में एक हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन नाम का, और ये हार्मोन आपके बालों की जड़ों के, मतलब आपके हेयर रूट के पास में जाके एक DHT नाम के हार्मोन में कन्वर्ट होता है। और ये जो मेनली DHT नाम का हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके बालों को थिन करने के लिए। बट द थिंग इज, आपकी सारी बालों के जड़ें इस हार्मोन को सेंसिटिव नहीं रहती है। जैसे कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की बालों की जड़ें
उस हार्मोन को सेंसिटिव रहती है एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। आई मीन कुछ लोगों में ये बालों की जड़ें सेंसिटिव नहीं हो सक होती जिनमें ये हेयर लॉस नहीं देखा जाता, बट जिस किसी में यहाँ के बालों की जड़ें आपके हार्मोन को सेंसिटिव है उनमें जेनेटिक हेयर लॉस देखा जाता है। सो इसीलिए ट्रीटमेंट के दो ही एम रहते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने से रोका जाए एंड सेकेंड आपके हेयर रूट को ब्लड सप्लाई बढ़ा जाए जिसके कारण वो स्ट्रांग हो जाए। ट्रीटमेंट पार्ट में प्रॉपर हेयर कट लेना ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज़ बहुत बार हेयर फॉल से ज़्यादा लोगों में हेयर ब्रेकेज होता है, जैसे कि हेयर शाफ्ट बीच में से ही टूटता है और उसके वजह से आपके बाल पतले लगने लगते हैं, डेंसिटी कम लगने लगती है, तो आप हेयर ब्रेक जो हो रहे हैं उससे हेयर फॉल समझने लगते हैं। सो हेयर ब्रेक होना अवॉइड करना, इट्स हेयर ब्रेकेज अवॉइड करना इट्स वेरी इजी। आपको हेयर केयर प्रॉपर लेना सीखना ज़रूरी है। उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए हो तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है रूटीन हेयर केयर पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर यहाँ पे कहीं दी होगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स के साथ कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी रहते हैं जो आपका हेयर फॉल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस या फिर विटामिन्स की डिफिशियंसी होना, कमतरता होना या फिर थायराइड का प्रॉब्लम होना, तो इनको भी रूल आउट करना उतना ही ज़रूरी है। जेनेटिक हेयर लॉस में जो मोस्ट कॉमन दवा इस्तेमाल होती है वो है फिनास्टेराइड। आप में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी भी। फिनास्टेराइड क्या करता है, जो मैंने पहले ही बताया कि आपके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक DHT नाम के हार्मोन में कन्वर्ट हो रहा है नियर योर हेयर रूट, उस कन्वर्जन को स्टॉप करता है। आप में से कई लोगों को फिनास्टेराइड के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता भी होगा एंड मे बी इसकी वजह से कई सारे लोग इस दवाई को प्रिफर भी नहीं करते होंगे। सो कॉल्ड जो साइड इफ़ेक्ट फिनास्टेराइड का है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन, बट इन रियलिटी दिस साइड इफ़ेक्ट इज़ नॉट येट प्रूवन। मतलब बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिनमें ये पाया गया है, जैसे कि रिसर्च में क्या होता है अक्सर दो ग्रुप रहते हैं, एक ग्रुप रहता है जिन्हें एक्चुअल दवाई दी जाती है एंड दूसरा ग्रुप रहता है जिन्हें दवाई दी जाती है जिसमें कोई भी मेडिसिन नहीं रहता, ऐसी टैबलेट दी जाती है। ओके सो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें एक ग्रुप को फिनास्टेराइड दिया गया और दूसरे ग्रुप को प्लासिबो, मतलब कोई भी उसमें दवाई नहीं, ऐसी दवाई दी गई। एंड जो नोन साइड इफ़ेक्ट है, जो कहा जाता है साइड इफ़ेक्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन, वो दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ लोगों में पाया गया। ठीक है, सो दैट मीन्स मोस्ट लाइकली जो ये साइड इफ़ेक्ट है वो दवाई से नहीं हो रहा है। ओके पर्सनली मैंने भी एंड बहुत सारे डॉक्टरों ने कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कई महीने कई दिनों से ये दवाई पे है विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। स्टिल आई नो फिर भी आप में से कई सारे लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट माइट बी अच्छा नहीं लगेगा या फिर मे बी आप इससे डर गए होंगे। सो लेट मी टेल यू, इवन आपको लगता होगा कि आप में ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, आपको ये दवाई शुरू की और आपको लग रहा है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन आप में हो रहा है, इट्स नॉट अ परमानेंट साइड इफ़ेक्ट। उसका मतलब क्या है कि जिस दिन आप दवाई बंद करेंगे उसके 2-3 दिनों में ये साइड इफ़ेक्ट कम्प्लीटली चला जाएगा। ओके सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगर आपको डर भी लग रहा है कि आप में ये हो सकता है, एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई। और इन केस आपने ये दवाई शुरू की और आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है एंड यू वांट टू कंटिन्यू द ड्रग, ओके सो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। ओके द फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल इन योर बॉडी। आप कुछ फूड आइटम्स आपके डाइट में ऐड करके आपके शरीर में का टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको ये डिसफंक्शन हो रहा है तो वो कम हो जाता है या चला जाता है।
सो ऐसे फूड आइटम्स जो है वो है मेनली विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो आप लेना शुरू कर सकते हैं, या जो फूड आइटम्स है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाते हैं वो है अदरक, एग्स, पोमेग्रेनेट। स्टिल आपको अगर ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है सो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर रिगार्डिंग इट। जनरली हम क्या करते हैं, अगर आपको इसमें से कोई साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है तो आइदर आपकी गोली का डोज कम करते हैं या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं या कुछ दिनों के लिए बंद करके देन वापस से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप फिनास्टेराइड से डर रहे हैं प्लीज़ ये बहुत अच्छी दवाई है, इससे मत डरिए। ओके, साइड इफ़ेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते हैं एंड इवन दो अगर आपको लग रहा है हो रहा है देर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दैट एंड अगेन इट्स नॉट अ परमानेंट साइड इफ़ेक्ट। ऑन एन एवरेज हम 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में आपको ओरल फिनास्टेराइड शुरू रख सकते हैं। जब आपको मैक्सिमम असर दिखने लगता है तब हम फिनास्टेराइड बंद करके आपको मिनोक्सिडिल जो लोशन रहता है उससे वो आपके असर मेंटेन करते हैं। सो यहाँ पे कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये असर परमानेंट होता है क्या? सो द आंसर इज़ नो। ओके, जेनेटिक में ये कभी भी, जेनेटिक मतलब आपके हेयर रूट वो हार्मोन को सेंसिटिव है। ओके, सो हम ना ही आपके शरीर से पूरी तरह टेस्टोस्टेरोन निकाल नहीं दे सकते, ना ही आपकी जड़ों की सेंसिटिविटी हम कम कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो असर आता है वो टिका रहने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी रहता है कि आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करते रहना, इस्तेमाल करते रहना। सो जो कोई भी असर हो, विथ मेडिकल ट्रीटमेंट हो या हेयर ट्रांसप्लांट करके हो, वो असर आपको टिका रखना है तो आपको मिनोक्सिडिल लगाने की आदत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिनोक्सिडिल लोशन ये क्या होता है? मिनोक्सिडिल ये एक हेयर लोशन रहता है, जो ये एक दवाई रहती है जो आपके हेयर रूट का ब्लड सप्लाई बढ़ाती है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था देर आर टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एक तो DHT को कन्वर्ट होने से बंद करना एंड दूसरा आपके हेयर रूट को ब्लड सप्लाई बढ़ाना। तो मिनोक्सिडिल जो है ये आपके हेयर रूट का ब्लड सप्लाई बढ़ाती है और उसको थिक होने में हेल्प करता है। मिनोक्सिडिल एटलीस्ट मेंटेनेंस में 4 to 5 days a वीक लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत सेफ दवाई है, मतलब इससे आप कितने भी साल यूज़ कर सकते विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट मिनोक्सिडिल के होते हैं, जैसे कि किसी किसी को मिनोक्सिडिल लगाने के बाद ईचिंग या खुजली होती है, किसी को इरिटेशन होता है। ऐसे केस में आप आपके डॉक्टर से उसका जो बेस का प्रिपरेशन रहता है वो अलग बेस में पूछ सकते हैं, जो लेस इरिटेटिंग या लेस ईच पैदा करते हैं। सो मिनोक्सिडिल को आप आपके हेयर ऑयल की तरह ही कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये रोज़ लगाने की आदत नहीं होती है, तो उसके लिए भी बहुत इजी सॉल्यूशन है। जैसे कि आपको रोज़ ब्रश करने की आदत है, आपके ब्रश के पास में ही आपका मिनोक्सिडिल का सॉल्यूशन रखिए है, जब कभी आप ब्रश करेंगे आपको याद रहेगा कि आपको मिनोक्सिडिल लगा। ट्रीटमेंट शुरू करने की सही एज कौन सी होती है? सो हर एक में नॉट नेसेसरी कि सेम स्पीड में जेनेटिक हेयर लॉस प्रोग्रेस होगा, नॉट नेसेसरी हर किसी में ज़्यादा हेयर लॉस होगा या किसी में हर किसी में कम होगा। सो हर जब कभी भी आपकी हेयरलाइन बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है नोटिस करने लगते हैं या फिर आपके स्काल्प या फिर आपके स्काल्प पे यहाँ पे आपको बाल थिन होने हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, वो सही समय है आपकी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। क्योंकि अगर बहुत साल हो गए हैं आपके बाल पतले होके या थिन होके, या जो जो कोई बाल कई सालों से थिन हुए हैं उन्हें कितनी भी ट्रीटमेंट या कितनी भी मेडिसिन शुरू करके पहले जैसा आप नहीं कर सकते। सो बेहतर ऑप्शन रहता है जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतने अच्छे बालों की डेंसिटी आप टिका के रख सकते। PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, आपके ब्लड में क्लॉट
ग्रोथ हार्मोन्स नाम का एक फैक्टर रहता है जो हम आपके ब्लड से, आपका कुछ अमाउंट में ब्लड लिया जाता है सिरिंज में, उसमें से ग्रोथ फैक्टर वाला जो पार्ट रहता है ब्लड का वो अलग किया जाता है एंड उसे हम आपके बालों की जड़ों के पास में इंजेक्ट करते हैं। PRP या मीजोथेरेपी, मीजोथेरेपी में ब्लड से नहीं, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ग्रोथ फैक्टर है उससे हम इंजेक्ट करते हैं नियर योर हेयर रूट। सो ये दोनों काम करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। जैसे कि प्लांट्स में जब आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बहुत हेल्दी होता है, सेम वे PRP एंड मेसोथेरेपी काम करते हैं। बट द थिंग इज़, PRP अकेले ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल नहीं कर सकता। इट्स एन एडजुवेंट थेरेपी, दैट मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। स्किन और हेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बहुत बार क्वेश्चंस इतने सारे रहते हैं कि मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर सकती, दैट्स वाई इंस्टाग्राम पे मैंने अभी एवरी सैटरडे एक सेक्शन शुरू किया है जिसमें आप मुझे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ एवरी सैटरडे मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।